यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं बागपत, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन चल रहा है। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेश शर्मा जी, जनरल वीके सिंह जी, श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, यूपी सरकार के मंत्री श्रीमान एसपी सिंह बघेल जी, सांसद श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, श्रीमान रमेश कौशिक जी और इतनी विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चार वर्ष पहले आपने अपार समर्थन के साथ मुझे पूरे देश की सेवा करने का अवसर दिया। मई की इस गर्मी में और जब दोपहर को सूरज इतना तप रहा है, आपका इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना इस बात का गवाह है कि चार साल में हमारी सरकार देश को सही दिशा में ले जाने में सफल रही। भाइयों और बहनों, इतना स्नेह, इतना प्यार तब होता है जब सेवक से उसका विधाता खुश होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर आपका ये प्रधान सेवक फिर आपके सामने नतमस्तक होकर के 125 करोड़ देशवासियों का अभिवादन करता है। साथियों, आज बागपत, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है। दो बड़ी सड़क परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला चरण और दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किए गए, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अभी के हिस्से पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है। आज जब इस नई सड़क पर चलने का मुझे अवसर मिला तो अनुभव किया कि 14 लेन का सफर दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन को कितना सुगम बनाने वाला है। कहीं कोई रुकावट नहीं,
एक से एक आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल, कंक्रीट के साथ हरियाली का भी मेल। भाइयों और बहनों, सिर्फ 18 महीने में ये काम पूरा हुआ है। आज 14 लेन की 9 किलोमीटर सड़क का लोकार्पण हुआ है, लेकिन इस 9 किलोमीटर का भी कितना महत्व है, वो दिल्ली के पटपड़गंज, मयूर विहार, गाजियाबाद, इंद्रपुरम, वैशाली और नोएडा के लोगों को भली भांति पता है। साथियों, जिस रफ्तार से ये 9 किलोमीटर की सड़क बनी है, उसी रफ्तार से मेरठ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे का काम करके जल्द ही दूसरे चरण को भी जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो मेरठ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 40-45 मिनट रह जाएगी। साथियों, दिल्ली एनसीआर में सिर्फ जाम की ही समस्या नहीं है, प्रदूषण की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो साल दर साल और विकराल रूप लेती जा रही है। प्रदूषण की समस्या का एक कारण दिल्ली में आने जाने वाली गाड़ियां और लंबे ट्रैफिक जाम है। हमारी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के चारों ओर एक्सप्रेसवे का एक घेरा बनाने का बीड़ा उठाया। ये 2 चरणों में बनाया जा रहा है। इसमें से एक चरण यानी ईस्टर्न पेरिफेरल हॉट एक्सप्रेसवे का भी थोड़ी देर पहले मुझे लोकार्पण करने का अवसर मिला। भाइयों और बहनों, दिल्ली के अंदर आज जितनी गाड़ियां पहुंचती हैं उसमें से अब लगभग 30% की कमी आ जाएगी, वो बाहर से बाहर निकल जाएगी। ना सिर्फ बड़ी गाड़ियां और ट्रक बल्कि 50,000 से अधिक कारों को भी अब दिल्ली शहर के अंदर एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था इससे निर्माण हुई है। इतना ही नहीं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अपने आप में देश का पहला एक्सप्रेसवे जो एक्सिस कंट्रोल रोड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये सड़क सिर्फ 500 दिन में बनकर तैयार हुई है। साथियों, ये दोनों जो बड़े प्रोजेक्ट आज आप सभी की सेवा के लिए तैयार हैं, ये पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। बिजली की जरूरत भी यहां सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी, यानी समय की भी बचत, प्रदूषण भी कम, ईंधन भी कम, और पश्चिम यूपी से दिल्ली दूध, सब्जी और अनाज पहुंचाना भी अब आसान हो जाएगा। भाइयों और बहनों, 125 करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और यही सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जात पात, पंथ संप्रदाय, ऊंच नीच,
अमीर गरीब ये किसी में भेदभाव नहीं करता है। इससे सबके लिए बराबरी के अवसर पैदा होते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने हाईवे, रेलवे, एयरवे, वॉटरवे, आईवे और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। साथियों, बीते चार वर्षों में 3,00,000 करोड़ से अधिक खर्च हमने 28,000 किलोमीटर से अधिक के नए हाईवे बनाने के लिए किया है। चार वर्ष पहले तक जहां एक दिन में, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात को ध्यान से सुने और मेरे देश के नागरिक भी सुने, चार वर्ष पहले जहां एक दिन में सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज लगभग 27 किलोमीटर हाईवे एक दिन में बनते हैं। इस वर्ष के बजट में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 5,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लगभग 35,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। हाईवे ही नहीं, रेलवे में भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। जहां रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां तेजी से रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। सिंगल लाइनों को डबल में बदलना, मीटर ग्रेज को ब्रॉडगेज में बदलना, इस काम को तेज गति से हम कर रहे हैं। ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है। लगभग 5,500 मानव रहित क्रॉसिंग को बीते चार वर्षों में हमने हटा दिया है। भाइयों बहनों, हवाई सेवा को सस्ता करने और देश में नए हवाई रूट शुरू करने के लिए उड़ान योजना चलाई जा रही है। पिछले वर्ष लगभग 10 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया, यानी एसी ट्रेन में रेलवे के एयर कंडीशन डिब्बे में जितनों ने यात्रा की, उससे ज्यादा लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की। ये मैं हिंदुस्तान की 4 साल की कथा बता रहा हूं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाए, ये सपना लेकर के काम कर रहे हैं। देश के जल शक्ति का भी पूरा इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में 100 से ज्यादा नए वॉटरवेज बनाए जा रहे हैं। यहां यूपी में ही गंगा जी में जहाज चलने लगे हैं। गंगा जी के माध्यम से यूपी सीधा सीधा समंदर से जुड़ने वाला है। जल्द ही मालवाहक जहाज यूपी में बड़ा सामान बड़े बड़े पोर्ट तक पहुंचाने के लिए सामर्थ्यवान हो जाएंगे। गंगा जी की तरह यमुना जी को लेकर भी एक के बाद एक नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथियों, जहां जहां ट्रांसपोर्ट की ये सुविधाएं खड़ी की जा रही है, वहां वहां नए उद्योगों के अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं।
इसी सोच के साथ इस साल बजट में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। इस कॉरिडोर का विस्तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट तक ये विस्तार होगा। अकेले ये कॉरिडोर करीब करीब 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। साथियों, 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 न्यू इंडिया की तमाम नई व्यवस्थाएं देश के युवाओं, मध्यम वर्ग की आशाओं, अपेक्षाओं के आधार पर खड़ी की जा रही है। देश के हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट योजना के तहत काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार की रफ्तार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस सरकार जहां अपने 4 साल में ये भी, जैसे मैंने आपको हाईवे निर्माण का आंकड़ा दिया था, ये भी आंकड़ा जरा नोट करने जैसा है। कांग्रेस की यूपीए सरकार अपने 4 साल में 59 पंचायतें यानी करीब करीब 60 पंचायतों में ही ऑप्टिकल फाइबर से उसे जोड़ पाई थी। 59, वहीं हमने 1 लाख से अधिक पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है। कहां 4 साल में 60 से भी कम गांव और कहां 4 साल में 1 लाख गांव। काम कैसे होता है मेरा देश भली भांति से अनुभव कर रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 वर्ष पहले देश में सिर्फ 2 मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां थी। कितनी थी भाई, कितनी थी, आप अनुमान लगा सकते हैं आज कहां पहुंचे हैं हम 2 साल में? आपको जानकर के खुशी होगी, उनके जमाने में 2 फैक्ट्रियां मोबाइल फोन बनाती थी, आज 120 फैक्ट्री मोबाइल फोन बना रही है। और उसमें तो कई तो यहां एनसीआर में ही है, जिनके अनेक युवाओं को भी रोजगार मिला है, कुछ तो शायद यहां मौजूद भी होंगे। साथियों, रोजगार निर्माण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। खेती के बाद एमएसएमई सेक्टर में ही रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। और यूपी में तो करीब करीब 50 लाख छोटे छोटे लघु उद्योगों की जाल है।
इन उद्योगों का और विस्तार हो, इसके लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के काम कर रही है। केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को टैक्स में भी भारी छूट देकर रखी हुई है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव योगी जी की सरकार ने लिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार की इस योजना को केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के साथ हमने उसका सहयोग देने का एक पूरा रोडमैप बनाया है। साथियों, बेहतर बिजनेस और कारोबार तब होता है जब सुरक्षा व्यवस्था सही होती। यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आप साक्षात गवाह हैं कि पहले क्या स्थिति थी, लेकिन अब योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। अब अपराधी खुद आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे उसके शपथ लेने लगे हैं। और मैं योगी जी को और मनोहर लाल जी को, दोनों एक को एक बात के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इतना बढ़िया संकलन किया, एक दूसरे को इतना बढ़िया संपर्क सूत्र से जोड़ा है कि पहले क्रिमिनल यहां खेल खेलते थे, वहां भाग जाते थे, वहां खेल खेलते थे, यहां शरण ले लेते थे। अब उनके सारे रास्ते इन दोनों ने बंद कर दिए हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण, इस बात को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने देश में 7.5 करोड़ शौचालय हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए 4 करोड़ गैस कनेक्शन हो, इन्होंने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने की बहुत बड़ी सेवा की। वहीं मुद्रा योजना के तहत जो लगभग 13 करोड़ लोन दिए गए हैं, उनमें 75% से अधिक महिला उद्यमों को ये लोन मिले हैं। कोई कल्पना कर सकता है, हिंदुस्तान में मुद्रा योजना की 13 करोड़ लोन में से लोन लेने वाली 75% मेरी देश की बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं। बीते 4 वर्ष में हमने बेटियों को सम्मान दिया और उन्हें और सशक्त बनाया। साथियों, महिलाओं के साथ साथ दलितों और पिछड़ों के सशक्तिकरण के और उनके सम्मान के लिए बीते 4 वर्ष में हमने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे वो स्वरोजगार हो या फिर सामाजिक सुरक्षा, आज अनेक योजनाएं इस दिशा में काम कर रही है। मुद्रा योजना के माध्यम से जो लोन दिया गया है उसमें
आधे से ज्यादा लोन दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है। स्टैंड अप इंडिया के जरिए भी दलितों को, महिलाओं को उद्यमी की एक नई योजना से लाभ मिला है। ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि हम बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े पांच स्थान पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। साथियों, मैं आपको अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जिनके मन में स्वार्थ है वे सिर्फ गड़ियाली आंसू बहाने वाली राजनीति करते आए, वो लोक लुभाव राजनीति करते आए हैं। लेकिन जो सही मायनों में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित अगर उनके हितों में सोचता है तो वो लोक हित की राजनीति करता है, लोक रंजक राजनीति नहीं करता है। दलित और पिछड़े भाई बहनों के लिए अवसरों के साथ साथ उनकी सुरक्षा और न्याय के लिए भी बीते चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार के कानून को हमने और कड़ा किया है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ाकर के 47 तक हमने उसका विस्तार कर दिया है। दलितों के अत्याचार से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सरकार ने पिछड़ी जातियों के सब कैटेगराइजेशन, इसके लिए एक कमीशन का गठन करने का निर्णय किया है। सरकार चाहती है कि ओबीसी समुदाय में जो अति पिछड़े हैं उन्हें सरकार और शिक्षण संस्थाओं में तय सीमा में रहते हुए आरक्षण का और अधिक फायदा प्राप्त हो, और इसलिए ओबीसी समुदाय में सब कैटेगरी बनाने के लिए हमने कमीशन का भी निर्माण किया है।